उत्तर प्रदेश न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकुररेल नदी तट पर स्थित सोममित्र वन में पौधारोपण कर पौधारोपण जन अभियान 2024 का शुभारंभ किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर देशवासियों से एक पेड़ माँ के नाम लगाने का आह्वान किया था। पर्यावरण चिंतित है कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग जीव सृष्टि के लिए नया संकट खड़ा करने जा रहा है। ये संकट मनुष्य के स्वास्थ्य प्रदान किया गया है, इसलिए इसे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी इंसानों पर ही होना चाहिए। यूपी की कुल आबादी 25 करोड़ है और हम 36 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। ऐसे में यूपी में आज एक दिन के भीतर हर मातृ शक्ति के नाम पर 3 पेड़ लगाने जा रहे हैं। चलते हैं हमारे अगले खबर की तरफ। केंद्र राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद मोजरा में बाढ़ पीड़ितों से मिलने जा रहे थे। इस दौरान उनके काफिले की 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। गनीमत है कि किसी को चोट नहीं आई है। इस दौरान पहली गाड़ी के सामने एक गड्ढा आ गया, जिस वजह से ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए। वहीं पीछे चलती हुई 3 गाड़ियां एक के बाद एक टकरा गईं। जबकि गनीमत ये रही कि इस टक्कर में किसी को चोट नहीं आई है। चलते हमारी खबर की तरफ। हाथरस हादसे की आरोपी का मंजू यादव व मंजू देवी की जमानत प्रार्थना पत्र मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दाखिल हुई है। न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा है कि अभियुक्त अपने अन्य साथी को साथ मिलकर साकार विश्व हरि भोले बाबा के सत्संग आयोजित में अनुमति से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करना और उसमें अधिक भीड़ के वजह से भगदड़ मचने से पुरुष और महिलाओं व बच्चों की मौत होने का आरोप लगा है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं देने का फैसला किया है। चलते हैं हमारी खबर की तरफ। यूपी में 3 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। आईपीएस अमित वर्मा लखनऊ के नए जेसीपी कानून व्यवस्था नियुक्त हुए हैं। आईपीएस अमित वर्मा लखनऊ के नए जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं। वही मेडिकल अवकाश पर चल रहे आईपीएस पेंद्र अग्रवाल को हटा दिया गया है, उन्हें ईओडब्ल्यू भेज दिया गया है। आईपीएस संतोष मिश्र को डीजीपी मुख्यालय भेज दिया गया है। चलते हमारी खबर की तरफ। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत सहारनपुर में किसान पंचायत में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए हाईवे का निर्माण कराया जा रहा है। राकेश टिकैत ने आलसी में किसान महासभा में कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा वाली नहीं है, बल्कि किसान विरोधी सरकार देश में से खेती बाड़ी का खात्मा करने पर आमदा है।